नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर भाजयुमो जिला अध्यक्ष छोटू राजा के नेतृत्व में गुरुवार की शाम कारगिल पार्क से लेकर समाहरणालय तक मशाल जुलूस निकालकर पंजाब सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान बुधवार को उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और कुव्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। भाजपा जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में जरा सी भी नैतिकता है तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती, उसे सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कहा कि कांग्रेस द्वारा शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। उन्होंने कहा कि विश्व के लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ जो गंभीर चूक पंजाब में हुई है, वो अक्षम्य है। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के हालात पंजाब में कांग्रेस पैदा कर रही है, उससे साफ है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस मौके पर राजधानी प्रसाद यादव, ध्रुव पांडेय, जिला महामंत्री पंकज सिंह, रामदेव सिंह, सूरज निराला, राकेश दुबे, आशुतोष सिंह चेरो, पंकज यादव, मुकेश पांडेय, रितेश कुमार निको, मोती सोनी, राजीव रंजन, चंद्रेश शौंडिक, अश्विनी सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।